साथियों दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शाहीन बाग का जो आंदोलन शुरू है, जिसको ये गोदी मीडिया बदनाम कर रहा है कि इन्होंने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है। ये रोड के एक साइड में बैठे हैं, उस साइड में ये हाईवे रोड है दोस्तों, इसके एक साइड में ये लोग बैठे हैं और इन्होंने दूसरी साइड का रास्ता जो आप देख रहे हैं पूरा खुला रखा है, जिसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर जानबूझकर बंद किया है। जो गोदी मीडिया हमें दिखा रहा है कि शाहीन बाग के लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं, स्कूल वैन को रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस की बदमाशी, यूपी पुलिस की बदमाशी। मुझे भी यहाँ जाने के लिए पुलिस वालों ने रोका, पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र से आते हैं, जो हमको रोक नहीं सके। ये हमने कहा हम मीडिया से है तो ये रोक नहीं सके। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये बैरिकेड्स लगाकर दिल्ली पुलिस ने रोका है इसे। आराम से अगर ये बैरिकेड्स हट जाए तो इस साइड का ट्रैफिक आराम से आ जा सकते हैं सब लोग। ये हाईवे रोड है फरीदाबाद नोएडा जो दिल्ली से जाता है, आप देख सकते हैं। और शाहीन बाग वाले इस साइड में बैठे हैं एक साइड में, और दूसरी साइड से आराम से पूरा ट्रैफिक आ जा सकता है। ये बदमाशी देखिए दिल्ली पुलिस की। और शाहीन बाग वालों ने खास एक नौजवानों की कमेटी लगाई है कि अगर कोई वैन, स्कूल वैन या कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको जाने के लिए इस साइड से, ये शाहीन बाग में जो लोग खड़े, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, हाँ इस साइड से कोई भी वैन एम्बुलेंस जा सकती है। पर ये रास्ता जो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा हाईवे रास्ता जानबूझकर दिल्ली यूपी पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर दादागिरी से, इस प्रशासन ने बंद किया है दादागिरी से। आप देख सकते हैं जूम करके, आगे भी तीन चार जगह बैरिकेड्स लगे हैं, किसी को जाने जाने ये पुलिस वाले नहीं दे रहे हैं। ये देखिए पुलिस की बदमाशी, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस की बदमाशी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाफर कच्ची तालुका पाथरी जिला परभणी महाराष्ट्र से अपने सभी हिंदू मुस्लिम दलित जितने भी लोग हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच्चाई बताइए कि शाहीन बाग रोड के एक साइड में है, ये देखिए एक साइड में, और ये दूसरी साइड में है, तो ये रास्ता पूरा खुला है, पूरा रास्ता खुला है, जिसे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने अपनी दादागिरी से बंद किया है दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।